नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव गौतम और आप देख रहे हैं यूपी राजधानी न्यूज़। दोस्तों, मामला राजधानी लखनऊ के थाना इटौंजा का है और मामला बहुत ही गंभीर है, जो कि नगर पंचायत मोहना से जुड़ा हुआ है। साथियों, पीड़ित नवविवाहिता ने मीडिया को बताया कि विपक्षी उसके घर में घुसकर मारा पीटा और विरोध करने पर कपड़े फाड़े व नाजुक अंगों पर भी इतना चोट मारा कि वो दर्द से परेशान है। असहनीय दर्द उसके नाजुक अंगों में हो रहा है। इसकी शिकायत जब पीड़िता ने थाने में जाकर के दिया तो वहाँ पर भी अनसुना कर दिया गया। मामला वास्तव में तो ये है कि वह मुस्लिम समुदाय से हैं और हिंदू रीति रिवाज से उन्होंने प्रेम विवाह किया था। इसी की रंजिश मानकर साहिल पुत्र असलम व हाजिम पुत्र असलम ने यह उसका बुरा हाल किया है। और यही नहीं, जान से मारने की पूरी धमकी इस बात के लिए दिया है कि वो मुस्लिम समाज की है और हिंदू लड़के से आके उसने शादी क्यों किया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात की मान्यता दे रखी है कि अगर लड़की और लड़के दोनों बालिग हैं तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम यानी कि धर्म अड़े हाथ नहीं आता है और वो आपस में किसी भी समुदाय से हैं, अंतर जाति विवाह कर सकते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान की कानूनी मान्यता है। इसके बावजूद भी इन लोगों ने पुराने कट्टरता को दिखाते हुए उस लड़की को इतना मारा पीटा, कपड़े फाड़े, नाजुक अंगों पर भी उसने चोट पहुंचाने का आरोप लगाया है। बहुत ही संगीन अपराध है और इससे बड़ा तो दुख इस बात का है कि जब पीड़िता अपनी आपबीती लेकर के थाना इटौंजा जाती है तो वहाँ पर भी उसकी बात की कोई सुनवाई नहीं होती है और इधर उधर भटकते समय वहाँ के संवाददाता आदित्य प्रताप सिंह राव से मुलाकात होती है और मीडिया के माध्यम से आपबीती बताती है कि इसके साथ भी ये हुआ है। अब देखना यह है कि लिखित तहरीर देने के बावजूद भी योगी महाराज के इस शासन काल में और मात्र सीमित दूरी पर ये बसा हुआ मोहना इटौंजा है, इस महिला को न्याय मिल पाता है, नहीं मिल पाता है, ये बहुत ही सोचने का विषय है। और जैसा कि वहाँ के संवाददाता आदित्य प्रताप सिंह राव ने बताया कि महिला दर दर भटक रही है, इसको न्याय मिलने के बजाय विपक्ष की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं। इसकी जान माल का क्या होगा इसका भी कोई पता नहीं है। अब इसको किस तरीके से रक्षा मिलती है, पुलिस का प्रोटेक्शन किस प्रकार से मिलता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। अब जो स्थिति है तो यही है कि लड़की पूरी तरीके से भयभीत है और न्याय की गुहार इधर उधर लगा रही है। मेरे सामने हिंदू वाहिनी के विमल सिंह परमार जी हैं। आइए मोहना के प्रकरण में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। जी विमल परमार जी, क्या मामला है इस मामले में? देखिए, ये मुझे सूचना सुबह हुई कि ये जो लड़की है पूजा, जिसका पहले नाम मेहरजहाँ था, उसने हिंदू धर्म में आस्था रखते हुए हिंदू धर्म स्वीकार करके एक ब्राह्मण परिवार जो कि सुनील के साथ इसने शादी की, जिसके बच्चे भी हैं। और कल बच्चों के झगड़े को लेकर के जो असलम नेता है, बसपा का एक बड़ा नेता माना जाता है मोहना का, तो उसके जो लड़के हैं साहिल और हाशिम, बच्चों के झगड़ों को तूल दे करके वे इनके घर में दाखिल होते हैं और जैसा पूजा का बताना है कि उसकी मैक्सी फाड़ देते हैं, उसे बलपूर्वक नीचे गिरा देते हैं और उसके साथ अश्लील हरकतें करने का प्रयास भी करता है। चूँकि ऐसा है कि इसने जो शादी हिंदू धर्म में की, इस वजह से ये जो
असलम और उसके जो लड़के हैं हासिम और साहिल, ये पहले से भी कहते थे तुम्हें हम बोटी बोटी काट के मौत के घाट उतार देंगे। तुमने हिंदू धर्म में क्यों शादी की? क्या मुस्लिम में कोई लड़के नहीं थे? उसी कि इनके पहले से गुबार भरा हुआ था, और उसके पहले भी ये लड़की ने बताया पूजा ने कि ये जो साहिल है ये हमारे पे बहुत पहले से गलत नज़र रखता था, गंदी गंदी बातें करता था। हमारे जो पति हैं वो बड़े सीधे हैं, सुनील जैसा आप देख सकते हैं बहुत सीधा ही व्यक्ति है, और जिस प्रकार से इन्होंने बर्बरतापूर्वक एक हिंदू घर के अंदर जिस प्रकार इन्होंने आक्रमण किया, पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के जो एक जो उनका एक शासन है उस शासन को धता बताते हुए जिस प्रकार गुंडों की प्रवृत्ति के साथ इन लोगों ने ये जो अपराध किया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और मैं थाना इटौंजा परिसर में खड़ा हूँ, मैं चाहता हूँ इनकी FIR हो, FIR दर्ज होके इनको न्याय मिले और दोषी तुरंत। तेज बोलिए कि तो मेरा नाम पूजा है, और मैंने मतलब मैं मुस्लिम हूँ, और मैंने हिंदू रीति रिवाज से शादी की है सुनील से, और इसी कारण ये असलम और इनके दोनों लड़के मेरे से जलते थे, उल्टा सीधा कहते थे कि मेरे यहाँ कहते थे तुमने हिंदू किसकी शादी कर ली है, और बहुत परेशान करते थे मेरे घर आकर, हर वक्त नहीं करते थे, लेकिन मेरे सरकार से ज़्यादा मारा भी था, तो सबके कहने से सुलह हो गया था। दोबारा कल बच्चों के मामले में और जो है थोड़ी बहुत लड़ाई हो रही थी बच्चों के मामले में, तो वो लोग जो है अचानक बच्चों के मामले में लड़ाई हो रही थी, बच्चों के मामला घर के उनको मौका मिल गया, उन लोगों को घर में घुस आए साहिल हासिम मेरी मेज की फाड़ दिया, हमें ठकेल दिया, हाथ में मेरा नोचा घसोटा है, और जो है बदतमीजी करने को भी जान गिर गए, तो जो है हमको बंद कर लिया, फिर अपने आदमी को फ़ोन किया वो जल्दी से घर आए, तो उनको उसको मारा पीटा, उनकी बनियान फाड़ ली, चप्पल और जूतों से साहिल और हासिम उन्होंने सबने मिल के मारा है। आपने एप्लीकेशन कहाँ दिया है? हमने जो है एप्लीकेशन थाना इटौंजा में दिया है, और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अभी तक सुनवाई नहीं हुई है, ये कब की घटना है? कल शाम की घटना है भाई, 8:30-9 बजे तक। तब से अभी तक आपकी इटौंजा थाने की पुलिस ने कोई कार्रवाई किया कि नहीं किया? इधर भी गए थे इटौंजा की तरफ, और इधर भी गए हैं, मोहना में भी गए हैं, उधर भी गए, कहीं भी सुनवाई कहीं नहीं हुई है। कहीं सुनवाई नहीं हो रही आपकी?